और यहाँ से ना जो है पाकिस्तान शुरू होता है पीछे के साइड। दिस वॉज द पार्ट ऑफ यूनिफाइड पंजाब पार्टीशन के पहले। मैं हूँ अभी बंकर्स में, आर्मीज के जो बंकर जैसे बने हुए होते हैं। आज मैं पहली दफा आई इधर। Hello everyone, so welcome to Mastani Musafir Travel Express. I am Tulika Anand and today I am in Amritsar. आज मैं आपको ले चलूंगी अमृतसर से वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर इज दैट प्लेस जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का रिट्रीट सेरेमनी होता है। इंडिया में अमृतसर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज, बहुत ही हिस्टोरिक सिटी है और यहां से टूवर्ड्स पाकिस्तान इज द लास्ट विलेज अटारी, अटारी रेलवे स्टेशन। पाकिस्तान में द लास्ट रेलवे स्टेशन इज वाघा, द लास्ट प्लेस इज वाघा, इसलिए यहाँ पर कहते हैं वाघा बॉर्डर और पाकिस्तान वाले कहते हैं अटारी बॉर्डर। तो आज हम चलेंगे रिट्रीट सेरेमनी देखने, बड़ा हैपनिंग सा होता है, प्लीज देखना, गूज बम्स आते हैं। पहले भी मैं कई दफा गई हूँ लेकिन इस बार जब नया फोन आया, जब मुझे लगा कि नहीं, आई फील दैट आई एम ब्रिंगिंग अ लिटिल बेटर कंटेंट, रेगुलर हो रही हूँ, तो मैं सोची कि मैं दोबारा भी कवर करूँ। ये जो मेरा वाघा बॉर्डर का वीडियो है इज नॉट गोइंग टू बी लाइक एनी अदर वीडियो जो आपने वाघा बॉर्डर का देखा था। दिस इज समथिंग आई कैन बेट यू कि इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाई हूँ। सो देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस एंटायर वीडियो। अमृतसर सिटी को टूर कराते हुए, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल आपको देते हुए, घुमाते हुए मैं आपको ले चलूंगी रिट्रीट सेरेमनी दिखाने। और पूरे रिट्रीट सेरेमनी में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इंडिया में रहकर पाकिस्तान साइड से जितना भी कुछ हो सकता है वो मैं आपको दिखाऊं। तो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो पूरे वीडियो को जरूर से देखना। बीच में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको देते जाऊंगी और प्लीज स्टे ट्यून्ड, मैं बहुत अच्छा वीडियो बना रही हूँ, उसका आप देखना, आपको बहुत मजा आएगा। अमृतसर में ऐसे बहुत सारे गेट हैं और सारे गेट की अपनी अपनी कहानियां। वाघा बॉर्डर आपने बहुत देखा होगा लेकिन इस वाघा बॉर्डर के वीडियो में मैं आपको अमृतसर घुमाते हुए ले जाऊंगी। ये वो थिएटर सिनेमा हॉल है जो यूनिफाइड पंजाब वो पार्टीशन हुआ करता था। एंड कैन यू इमेजिन, 5,000 रुपये लगे थे उस वक्त बनाने में। आज के दिन में एक अच्छे से 4-5 स्टार प्रॉपर्टी में 5,000 से भी ज़्यादा हमारा पर नाइट का टैरिफ आता है। खालसा यूनिवर्सिटी, खालसा कॉलेज, और मुझे बड़ा दिल करता है कि मैं यहाँ पर पढ़ूँ। जस्ट लुक एट द आर्किटेक्चर, मुझे लगता है इसका कुछ पार्ट टूरिस्ट के लिए ओपन करना चाहिए। मतलब क्या पंजाब हो गया उस वक्त का। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो मेरे पीछे जो आप देख रहे होगे रोड, ठीक है, और ये एक जो आर्किटेक्चर है, दिस इज इंडिया गेट। एंड इंडिया गेट इज वेरी हिस्टोरिक बोलूँगी और बहुत पॉपुलर बोलूँगी, बिकॉज इंडिया गेट डिवाइड्स अमृतसर टू अटारी बॉर्डर। इंडिया गेट के उस साइड है अमृतसर और इधर है अटारी, अटारी फिर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के बाद वाघा बॉर्डर और फिर पाकिस्तान लाहौर आ जाता है। तो लाहौर पाकिस्तान या अफगानिस्तान से जब आप बाई रोड आएंगे, अमृतसर इज द फर्स्ट सिटी। ये है, ठीक है, ये जो आर्किटेक्चर है, दिस डिवाइड्स अमृतसर एंड अटारी। अटारी छोटा सा गांव, इसलिए लोग अटारी को भी अमृतसर में ही काउंट करते हैं। अच्छा, मेरे पीछे जो ये जो एक स्टैचू है ना घोड़े पर, अमृतसर में ऐसे आपको बहुत सारे स्टैचूज मिलेंगे एंड ईच एंड एवरी स्टैचू कुछ भी चीजें ना ऐसी, दैट स्पीक्स अ लॉट। और ये जो स्टैचू है ना, इज श्याम सिंह अटारी, इनके नाम पर अटारी गाँव है। पाकिस्तान में जाऊं या नहीं जाऊं, कब जाऊं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन वाघा बॉर्डर जाने का एक अलग ही मज़ा आता है, एक अपना ही मज़ा आता है वो रिट्रीट सेरेमनी। अच्छा, जितना वाघा बॉर्डर के करीब जाएंगे ना, इस तरीके से यहाँ पर मेंशन रहता है लाहौर 24 किलोमीटर्स, इस्लामाबाद इतने किलोमीटर्स। अच्छा, पंजाब इज़ वेरी रिच इन कल्चर एंड वेरी रिच इन एग्रीकल्चर एज वेल। तो पूरी वो खेती, वो सरसों वाली खेती, वो जो मुझे दिखता है ना, वो बहुत मज़े का लगता है। हाँ, पर एक बंकर भी बना हुआ है आर्मीज का, जैसे ये रहते हैं, जैसे मुझे दिखा, मैं अंदर जाकर आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। ये बंकर्स बने हुए हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कैसा होता है आर्मीज का। वैसे मेरे ख्याल से ये बंद हो गई है। इस तरीके से बंकर्स बने हुए। मैं हूँ अभी बंकर्स में, आर्मीज के जो बंकर जैसे बने हुए होते हैं। आज मैं पहली दफा आई इधर। मैं इतनी बार मैं वाघा बॉर्डर आई थी बट नेवर एवर आई गॉट अ चांस टू सी कि बंकर असल में होता कैसा है ना। इस तरीके से पूरा बड़ा नीचा नीचा सा छोटा छोटा सा है,
यहाँ पर कोई भी नहीं है, और मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, इस तरीके से पूरा बना हुआ होता है अंदर, मतलब यू वॉन्ट बी एबल टू स्टैंड प्रॉपरली, ये इतना नीचा होता है, और सामने मुझे दिख गई मधुमक्खी, तो ये मुझे काट ना ले, तो मैं पहली बार निकल जाती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ ना, लाहौर इस्लामाबाद। यार मुझे ना पता नहीं क्यों बड़ा मन करता है जाने को, पता नहीं कब जाऊंगी। बट हाँ, वाघा बॉर्डर का जो रिट्रीट सेरेमनी है ना, इज जस्ट नॉट द रिट्रीट सेरेमनी, यू हैव सो मच ऑफ फीलिंग। आप उसे ना अलग ही, मतलब वो एक रहता है। अच्छा, वाघा बॉर्डर का जो रिट्रीट सेरेमनी है, दैट स्टार्ट्स एट 5, बट मेक श्योर कि आप 4 बजे तक वहाँ पहुँच जाना, और वहाँ 4 बजे के पहुँचने के लिए आप अमृतसर से 2 बजे निकल जाना। और यहाँ पर पार्किंग हो गई है, और यहाँ पर सामने इंडिया और पाकिस्तान का जो फ्लैग मैंने आपको दिखाया इस तरीके से, और जब इन दोनों फ्लैग को एक साथ देखती हूँ ना, इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस। यहाँ पर जो है ना, आपको ऐसे मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए, स्नैक्स के लिए, तो आप चाहो तो ले सकते हैं। हर कोई आपको दिखेगा तिरंगा में इस तरीके से बेचते हैं वो फ्लैग हो गए, या फिर आपको यहाँ पर पेंट कर देंगे इस तरीके से, तो अगर आपको अच्छा लगे आप करा सकते हो, मैं नहीं कर रही। मैं तो फिलहाल बस इन दोनों झंडे को देख कर ही मैं पागल होती हूँ। और कभी कभी मैं जब पहले आती थी ना, तो मैं देखती थी कि जब पाकिस्तानी जब वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो कभी कभी आपको वहाँ के लोग जब इंडिया आते हैं, आपको वो भी दिख जाएंगे, या फिर इंडियंस जो वहाँ जा रहे होते हैं। ये है पूरी फेंसिंग, फेंसिंग के उस साइड पाकिस्तान में नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ दूर ही है, ये नो मैन लैंड आ गया था, जो मैं अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं जा रही हूँ सीट लूटने के लिए। देखो वहाँ पर ट्रेड गेट, आप देखें वहाँ पर पाकिस्तान को चरप करने के लिए वहाँ का पैट्रियोटिक सॉन्ग बज रहा है, और यहाँ पर इंडिया को चरप करने के लिए यहाँ का, और ये जो तिरंगा है ना, ओ हो हो। मेरा माइक मुझे धोखा दे दिया था, मैं इतने तरीके से बता रही थी ना, कोई बात नहीं। अच्छा, इंडियन साइड रिट्रीट सेरेमनी स्टार्ट होने के जस्ट 5 मिनट पहले लेडीज इस तरीके से डांस करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। पाकिस्तान से डांस तो नहीं करते, लेकिन ये बंदा जो गोल गोल घूम रहा है, ये मुझे बड़ा मज़े का लगता है, तो मैंने इसे भी कैप्चर किया। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बंदा दिखाऊंगी, ये जो वाइट कैप है ना, ये मुझे बड़ा स्मार्ट लगा था, लेकिन दूर था, ये भी नहीं दिख पाया, मैं भी अच्छे से नहीं दिख पाई। मैं पूरी कोशिश की हूँ कि मैं उस साइड जो भी हो मैं दिखा पाऊँ। ये जो सिस्टर्स हैं, मतलब मुझे इतना अलग सा लगा ना, पाकिस्तान में सिस्टर्स, तो मैंने सोचा कि जो भी मुझे कुछ कैप्चर कर पाऊँ। अच्छा, यहाँ पर देखना, ये जो है ना, ये जो BSF वाले हैं, ये इतना चेयरअप करते हैं ना, मैं जब भी जाती हूँ रिट्रीट सेरेमनी, मतलब इतना मज़े का लगता है। चलो चलते हैं आज का रिट्रीट सेरेमनी देखने। Oh
ध्वज काटते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। साथ ही इस दौरान शांति बना रखे एवं किसी भी नारे आदि का प्रयोग न करें। बेदर्शक जो भर्ती में है उनसे निवेदन है कि ये रिट्रीट सेरेमनी खत्म होने के बाद इतनी भीड़ होती है ना, लेकिन ये लोग जल्दी जल्दी भगाते हैं। इंडियन साइड भी उधर देखने के लिए, वो लोग भी इधर देखने के लिए, मतलब इतना इंटरेस्ट आता है। ये अंकल ना मेरे जैसा दिल इनके अंदर था, शायद बड़ा प्यार आ रहा था उनको पाकिस्तान वालों के लिए। ये ग्रीन वाला है ना, इसके राइट साइड उस पार इंडिया है, और ये जो साइड है ना उस पार इस पाकिस्तान, वहाँ का सनसेट बहुत प्यारा होता है। तो आई होप कि आपको आज का मेरा वाघा बॉर्डर का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जैसे ही 6 बजे रिट्रीट सेरेमनी खत्म हो जाती है, आग की तरह यहाँ पर सबको भगाना शुरू करते हैं, क्योंकि दिस इज द जीरो लाइन ईयर, और यहाँ से ना जो है पाकिस्तान शुरू होता है पीछे के साइड, और उधर के साइड जो इंडिया, और वैसे भी जो भी सिक्योरिटी रीजन जो भी यहाँ पर ज़्यादा देर रहना अलाउ नहीं करते। एंट्री फी मैंने बता दिया कि कुछ भी नहीं है, टाइमिंग मैंने पहले बता दी, आप कोशिश करना कि आप पहले आ जाए, क्योंकि आपको सीट लेना होता है। और आप जितनी बार भी आएंगे ना, आई बेट यू आप कभी बोर नहीं होंगे। और वो जो फीलिंग आता है ना जब इंडियन आर्मी जो BSF जब वो चेयर अप करते हैं आपको, फिर आप पाकिस्तान साइड में देखते हो, मतलब मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और बस अच्छा, एक बहुत खास चीज़ मुझे लगता है रिट्रीट सेरेमनी में, व्हेन यू सी बर्ड क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। तो मैं जब भी आई हूँ ना यहाँ पर, आई हैव ऑलवेज कम अक्रॉस बर्ड्स जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इमोशनल फॉर मी, बहुत शक्त है मुझे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, पूरे वीडियो में मेरा माइक साथ नहीं दिया, अदरवाइज और अच्छी क्वालिटी का मैं आपको वीडियो दे पाती। तो इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बस आना ज़रूर यहाँ पर, अच्छा लगता है।